जय हिंद दोस्तों, आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, उसके लिए पर्सनल असिस्टेंट कह लीजिए, निजी अपर सचिव कह लीजिए या फिर दोस्तों स्टेनोग्राफर कह लीजिए, ये जो भर्ती है एक ऐसी पोस्ट के लिए है दोस्तों जिसकी बहुत पावर है, बहुत अच्छा पे स्केल है और एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत ही कम कॉम्पिटिशन है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ओके, तो 21 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड। फी डिटेल्स, नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी डिपोजिटेड बाई एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट। तो दोस्तों चाहे एक्स सर्विसमैन हो या फिर सिविलियन हो, किसी के लिए भी दोस्तों यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशंस की। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है कि अधिकतम एज लिमिट फॉर एक्स सर्विसमैन जो है वो है 52 ईयर्स। ओके, नॉर्मल सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों यही एज है 18 से 42 साल तक। ओके चलिए, तो ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों 1075 पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, बोर्ड, कॉर्पोरेशंस एटसेट्रा इन ग्रुप 58। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही वैकेंसीज निकली हुई हैं। पे लेवल 6 है इनका। और एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए दोस्तों एक वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन ESM के लिए, सॉरी एक्स सर्विसमैन SC के लिए दो वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन BCA के लिए एक और एक्स सर्विसमैन BCB के लिए दोस्तों दो वैकेंसीज यहां पर हैं। इसी प्रकार जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश की जो वैकेंसीज हैं इसमें दोस्तों पे लेवल 4 है आपका। एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 18 वैकेंसीज, एक्स सर्विसमैन SC के लिए 4, एक्स सर्विसमैन BCA के लिए 5 और एक्स सर्विसमैन BCB के लिए 6 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं। नेक्स्ट है स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी और इंग्लिश, इसका पे लेवल 2 होगा और वैकेंसीज हैं दोस्तों 55 जनरल के लिए, एक्स सर्विसमैन को SC एक्स सर्विसमैन के लिए 12, एक्स सर्विसमैन BCA के लिए 15 और एक्स सर्विसमैन BCB के लिए 18 वैकेंसीज। तो टोटल जो वैकेंसीज हैं दोस्तों वो 74 हैं जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए, 18 हैं एक्स सर्विसमैन SC के लिए और BCA एक्स सर्विसमैन के लिए 21 और BCB के लिए हैं दोस्तों 26। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपके लिए 12th पास होना जरूरी है और हिंदी या फिर इंग्लिश की आपके जो है वो शॉर्ट हैंड आना आपको जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों 517 पोस्ट है इसमें, सेम दोस्तों वेरियस डिपार्टमेंट, बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन में। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर इंग्लिश की वैकेंसी है, पे लेवल 6 है इसका, ESM जनरल के लिए 8, SC के लिए 3, BCA के लिए 4 और BCB के लिए 4 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है, सॉरी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन BCA के लिए 3 वैकेंसीज हैं। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए दोस्तों जनरल के लिए 1 वैकेंसी है और स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश के लिए जनरल में 26 वैकेंसीज और SC में 7, BCA में 5 और BCB में 7 वैकेंसीज हैं। इस प्रकार टोटल वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 आपके लिए पास होना जरूरी है और हिंदी और इंग्लिश की जो है वो आपको शॉर्ट हैंड भी आना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों 246 वैकेंसीज के लिए स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी, इसका पे लेवल जो है वो 2 होगा और एक्स सर्विसमैन के लिए 24 वैकेंसीज जनरल को हैं, ESM SC के लिए 5, ESM BCA के लिए 5 और ESM BCB के लिए 9 वैकेंसीज हैं। 10+2 दोस्तों आपके पास में पास होना जरूरी है विद फर्स्ट डिवीजन और हिंदी शॉर्ट हैंड आपके लिए आनी जरूरी है जिसका ये टेस्ट होगा 64 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में दोस्तों, अब बात करते हैं हम एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन के लिए। तो आपके लिए जो रिजर्वेशन लागू है स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से वो पूरे रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। अप्लाई करने के लिए दोस्तों सभी एक्स सर्विसमैन के लिए अपने आइडेंटिटी कार्ड जो कि जिला सैनिक बोर्ड से इशू हुआ है उसकी एक फोटोकॉपी लगानी है और आपकी डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी भी लगानी है। अगर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए डिसेबिलिटी का जो है वो सर्टिफिकेट भी एज ए प्रूफ देना जरूरी है।
एज लिमिट दोस्तों आपके लिए आपकी सर्विस में से जो है वो आपकी एज में से आपकी सर्विस को माइनस करके प्लस 3 ईयर्स कर दीजिए, जो भी आपकी एज आएगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, माइनस 3 ईयर्स करना होगा। द अपर एज लिमिट ऑफ एन एप्लीकेंट ऑफ एनी कैटेगरी एक्सेप्ट एक्स सर्विसमैन शैल नॉट बी एक्सीड 52 ईयर्स। ठीक है, तो अपर एज लिमिट जो है वो है आपके लिए 52 ईयर्स की। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है, आप शॉर्ट हैंड के बारे में नहीं जानते हैं, तो मुझसे आप पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।